सामने कुछ स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज की है उनके फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे कि क्या स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, कनाडा ने अपनी रिसेंट पॉलिसी चेंज कर रहा है। December 23 से लेके आज के दिन तक कनाडा ने अपनी काफी पॉलिसी चेंज की है, जिसमें देखा जाए कि उन्होंने अपनी GIC अमाउंट डबल कर दिया है, LOA वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, अब नो मोर PGWP फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स जिनकी जेन्युइन इंटेंशन कनाडा में स्टडी की है, स्टडी के बाद वो अपना PSW के लिए जाएंगे, देन PR के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स इन पॉलिसी से एज सच अफेक्ट नहीं होंगे। अगर हम बात करें कि वो स्टूडेंट जिनकी जेन्युइन इंटेंशन पहले भी कनाडा में स्टडी की नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी को पाथवे यूज करते थे कनाडा में इंटर होने के लिए और वहां पे जाके अपना किसी सस्ते से या किसी लो रैंक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके आगे PSW के लिए अप्लाई करते थे, उन स्टूडेंट्स को कर्ब लगाने के लिए कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अपना जो PSW है या उन कॉलेजेस के लिए उन्होंने अपना PSW चेंज किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डिग्रीज ऑफर कर रही हैं वो उनको PSW ऑफर होगा, उन पर ये जो रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप भी PSW के लिए एलिजिबल होंगे, आपको PSW मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे समराइज करते हैं तो IRCC डिग्री प्रोग्राम्स को प्रेफर कर रहा है। डिग्री प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स इनरोल होंगे वो PSW के लिए भी एलिजिबल होंगे और उसके साथ साथ PR के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो IRCC स्किल बेस्ड इमिग्रेशन को ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसके साथ साथ डिग्री को स्टेम प्रोग्राम को ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अगर आप भी कनाडा में स्टडी का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप स्टेम प्रोग्राम इनरोल हों, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हों। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें और एडिशन करते जाएं तो अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसे एरियाज़ को टारगेट करें जहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है या जहां पे पहले स्टूडेंट्स का इतना ट्रेंड नहीं था। तो अगर हम स्टूडेंट के ट्रेंड की बात करते हैं तो पहले अंटेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक में स्टूडेंट्स का ज़्यादा ट्रेंड था। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इन एरिया से हटके आप अपने इंस्टीट्यूट्स को और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। अगर हम NC के पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हमारे पास नोवा स्कोशिया में यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, अल्बर्टा में यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ मैनिटोबा में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप भी कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।